नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो आपका प्रीलिम्स का। तो ये क्वेश्चन डिस्कस होंगे अब आपके 61 से लेकर 70 तक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो लिखा हुआ है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को देखना है एग्रीकल्चर में। तो पहले लिखा, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर द ऑल द क्रॉप्स। अब पहले गलत हो जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। अभी कुल मिला के 24 फसलों पर आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑल क्रॉप्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है आपका। तो करेक्ट पूछा हुआ है तो ये तो गलत है, तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता। तो पहला आंसर नहीं हो सकता तो ये तो गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आंसर बनेगा 2, 3 एंड 6। तो 2 लिखा हुआ है, कंप्यूटराइजेशन तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये सही है आपका। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट हो गया। प्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, ये भी सही है। वेवर ऑफ द एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम, ये आपका गलत है। और सेटिंग अप द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, ये आपका सही है। तो ये लिखा हुआ है, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑल द क्रॉप्स एंड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स आर सब्सिडाइज, हैंस दे आर नॉट कैटेगराइज एज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। तो याद रखना, ये सब्सिडाइज होते हैं तो इन्हें पब्लिक इन्वेस्टमेंट के तहत नहीं लाया जाता। द वेवर ऑफ द एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम इज अ कंसेशन होता है और इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है, हैंस इट इज नॉट कंसिडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स आर नॉट कंसिडर एज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने याद रखना, ना ही सब्सिडी और ना ही इंसेंटिव जो दिए जाते हैं वो आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कंसिडर नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है, रिसेंटली इन द मई 2020 द गवर्नमेंट अनाउंस द आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड इन्वेस्टेड द हैवली इन द एग्रीकल्चर। दीज इंक्लूड द एग्री इंफ्रा फंड ऑफ द 1 लाख करोड़ फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑफ फॉर द 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल ड्राइव टू इंक्लूड 25 मिलियन फार्मर्स हु स्टिल डू नॉट हैव द किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो लेट आपका 90s में, लगभग लगभग 1999 या 1998 के आसपास, मुझे जहाँ तक याद है किसान क्रेडिट कार्ड के शुरू हुआ था। तो डेवलपिंग अ डिजिटल एग्री स्टैक विच विल बी अ की इनेबलर ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड द स्मार्ट एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। तो लिखा, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव गिव लोन टू। ठीक है, तो बोल रहा है ये कहाँ पर मदद करता है, जहाँ पर आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट रिस्क ऑफ द फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, जब बैंक क्या करती है, लोन देती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट हेल्प इन द एवलुएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। ठीक है, द हायर अ बोरिंग फर्म लेवल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज इज इट्स एबिलिटी सर्विस इन सर्विस इट्स डेट। तो लिखो, द हायर द बोरिंग फर्म्स लेवल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज, जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होगा, हाई होगा आपका, उतना कम क्या होगा आपका, सर्विस देखने को मिलेगी, एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। तो डेट उतना ज़्यादा कम होगा, तो यहाँ पर ही गलत है, वर्स नहीं होता बल्कि ये भी क्या होने लग जाता है, हाई होने लग जाता है। तो ये तो गलत है, तो तीसरा तो हो नहीं सकता, तीसरा नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभी तो फर्स्ट सेकंड या सेकंड होगा, तो मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ। तो इट हेल्प इन द एवलुएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। ठीक है, तो ये तो आपका सही है, तो ये एवेल्यूएट होता है इमर्जिंग रिस्क के। और लिखा हुआ है, इट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, ये गलत है आपका। तो ये वाला गलत हो जाता है, आंसर बनेगा सेकेंड ओनली। तो लिखा हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक गोइंग टू, अच्छा ठीक है, गोइंग टू लिखा हुआ है, गोइंग टू गिव लोन टू, जो देता है। ठीक है, ये भी सही है आपका, तो सेकंड गलत हो जाएगा, मतलब सेकंड अकेला नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। तो लिखा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो लिखा हुआ है, इट इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू टेक द लोन और डेट एंड रिपे इट विद इन द टेन्योर ऑफ द लोन, इट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग एंड एवलुएटिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव, ये देख लीजिए, गोइंग टू गिव अ लोन टू। इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग अ कंपनीज अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड द टैक्सेस बाय द कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंसिस फॉर अ गिवन पीरियड, द लोअर आर द रेशियो मोर द कंपनीज बर्डन बाय द डेट एक्सपेंसिस। वैन अ कंपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ओनली 1.5 और लोअर, इट्स एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट एक्सपेंसिस में भी क्वेश्चनेबल। आगे लिखा होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ गुड असेसमेंट ऑफ द कंपनीज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, मोर एवर एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बिलो 1 इंडिकेट द कंपनी इज नॉट जनरेटिंग सफिशियंट रेवेन्यू टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट
एक्सपेंसेस अपने नोट्स में ये जरूर शामिल कर देना, आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है अगर वो कितना आपका एक से नीचे है तो आपका क्या माना जाता है कि कंपनी इतना ज़्यादा या बोल सकते हैं सफिशियंट अमाउंट में क्या है जनरेट नहीं कर पा रही किसको रेवेन्यू को। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है अ गुड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वुड सर्व एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज एंड पोटेंशियली एज एन इंडिकेटर ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ द डेट इटसेल्फ एज वेल। अच्छा नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। अच्छा तो कौन कौन सी पॉलिसीज और फैक्टर्स हैं तो जिनमें अफेक्टेड हुआ है किसका चावल का प्राइस, तो लिखा हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बिल्कुल सही है, राइस के लिए आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, ये तो सही है। गवर्नमेंट ट्रेडिंग करती है, बिल्कुल सही है, व्यापार है। स्टॉक पिलिंग भी करती है, सब्सिडीज भी जनरेट करती है, किस में आपका प्राइस ऑफ राइस में, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो सब्सिडीज जैसे दी जाती है तो गेहूं में दी जाती है और राइस में, मेनली इन दो फसलों पे सब्सिडाइज रेट होते हैं आपके, तो आंसर बनेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो सारे आपके सही है। तो लिखा होता है डोमेस्टिक फैक्टर विच अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ द राइस इन इंडिया आर एज फॉलोज, तो लिखा होता है इंटेंसिटी ऑफ द सीजनल मानसून अक्रॉस इंडिया एंड द प्रोडक्शन ऑफ द बासमती एंड द नॉन बासमती राइस द रेशियो ऑफ द फुल एंड ब्रोकन कार्नल्स इन मिलिंग द पैडी द गवर्नमेंट ट्रेडिंग एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द राइस इट रिजल्ट इन द डाइवर्जन ऑफ द स्टॉक फ्रॉम द ओपन मार्केट हैंस ड्राइविंग अप द प्राइस फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, राइस टेंडर बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये याद रखिए, ये FCI जो होती है इसका काम होता है स्टॉकिंग करना और दूसरा काम होता है इसका प्रोक्योर करना, दो काम होते हैं इसके, प्रोक्योरमेंट किसी भी फसल का और स्टॉकिंग करना। तो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ राइस टेंडर्स बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर सब्सिडीज इट लोअर द प्राइस ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर द गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग लो स्टॉक लेवल कंस्ट्रेंट द एबिलिटी टू बफर द प्राइस लेवल या राइस क्लाइमेट स्टॉक डिटरमाइन द राइस प्रोडक्शन एंड द प्राइस इन द शॉर्ट रन ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सम इंटरनेशनल फैक्टर विच अफेक्ट द इंडियन राइस प्राइसिंग आर एज फॉलोज, ग्लोबल टेंडर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द राइस एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन ऑफ द USD एंड द इंडियन रुपीज, ये बिल्कुल सही है। जब क्या होता है बोल सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले भारत का जो क्या है रुपया उसकी जो वो वैल्यू है वो बढ़ जाती है फिर घट जाती है। क्रूड ऑयल प्राइजेस भी आपका सीधे डायरेक्ट करते हैं इसे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो आपका बोल सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो आपका बीच में जो लगता है ट्रांसपोर्टेशन का वो बाई शिपमेंट होता है, तो वहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर फैक्टर होता है। लिखा हुआ था मणिपुर ब्लैक राइस कॉल द चखाओ इज द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू द GI टैग राइस वेराइटी ऑफ इंडिया। याद रखना मणिपुर का एक ब्लैक राइस है, ये न्यूज़ में रहा है चखाओ, तो ये इसे GI टैग मिला है। GI टैग एक्ट आया था आपका 1999 में, और याद रखिए जो आपकी क्या है दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग की जो आपकी टी है, ये फर्स्ट आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इसे मिला था, GI टैग मिला था आई थिंक 2004 के आसपास। अच्छा नेक्स्ट देखो, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन इंडिया, ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो राइस का प्रोडक्शन करता है वो कौन है, वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट लिखा है 1965 द ICAR इंडियन काउंसिल फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च लॉन्च द AICRIP और द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर R&D फॉर इंप्रूविंग द राइस प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ द इंडो श्रीलंका ट्रेड एंड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड, नहीं लास्ट डेकेड में कुछ कमी आई है डिप मारा है ये, तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है, फर्स्ट गलत है तो फर्स्ट ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो सेकंड सही होगा अकेला या तो थर्ड सही होगा। ठीक है देख लेते हैं, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट द इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा नाम कमा रहा है कौन, बांग्लादेश, तो ये बिल्कुल सही है आपका, तो सेकंड क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा और थर्ड आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज़ बिन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया, नेपाल नहीं है ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है कि बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया फॉलोड बाय द नेपाल, उसके बाद नेपाल आता है, फिर श्रीलंका आता है, फिर पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान एंड द मालदीव्स। आगे लिखा, कॉटन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम टू द बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया अकाउंटिंग फॉर अ फिफ्थ ऑफ द इंडिया सप्लाईज टू द बांग्लादेश फॉलोड बाय द मिनरल फ्यूल्स ऑटोमोबाइल्स एंड द कैपिटल गुड्स। इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम द बांग्लादेश जंप 22% टू $1.2 बिलियन। गारमेंट्स एंड द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स मेक अप द अराउंड 40% ऑफ द इम्पोर्ट्स। द टॉप 4 एक्सपोर्ट कंट्रीज ऑफ द इंडिया आर एज फॉलोज, तो टॉप एक्सपोर्टर कौन से हैं, तो चाइना हो गया आपका, जिसके साथ हम ट्रेड डेफिशिट में रहते हैं, हमें घाटा होता है, $51 बिलियन का हमारा क्या होता है इनके साथ ट्रेड है, ट्रेड डेफिशिट है।
और यूएसए के साथ हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं 25 बिलियन डॉलर्स के आसपास, यूएई के साथ हम ट्रेड सरप्लस में, और सऊदी अरब के साथ ट्रेड डेफिशिट में रहते हैं, क्योंकि वहाँ से हम क्या करते हैं क्रूड ऑयल भी मंगवाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द फोर कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। तो G20 में आपके 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन आ जाता है, ये आपने याद रखना है। तो कौन कौन से इसके पार्ट हैं, अर्जेंटीना बिल्कुल है, मैक्सिको बिल्कुल है, साउथ अफ्रीका है और टर्की है, तो ये तो आंसर बन जाता है आपका पहला। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, यहाँ पर जो लग रहा है, यहाँ पर मलेशिया मुझे नहीं लग रहा है, मलेशिया का थोड़ा सा लग रहा है मुझे, मलेशिया नहीं, यहाँ पे ईरान मुझे मिस आउट लग रहा है, ईरान नहीं हो सकता, और सिंगापुर साउथ कोरिया में से मुझे लग रहा है इंडोनेशिया नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो मैं फिर से सही कर दूंगा। तो लिखा G20 एज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इट हैज़ 20 मेंबर एंड दीज कंट्रीज आर एज फॉलोज, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया है सॉरी, और इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर फिर कौन सा मिस होगा, इंडोनेशिया तो है ना, फिर मुझे लग रहा है सिंगापुर नहीं होगा, फिर सिंगापुर बहुत छोटी कंट्री है ना, तो फिर सिंगापुर नहीं होगा, साउथ कोरिया है ना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया उसी बोलते हैं साउथ कोरिया को, तो यहाँ पर आपका सिंगापुर है, ठीक है। बाकी ईरान भी नहीं था, सऊदी तो था, सऊदी अरेबिया था, इटली था, ठीक है बस, ठीक है, और कौन सा था, मलेशिया भी नहीं है शायद से इसका पार्ट, JKL नहीं है, ठीक है, तो बाकी सही है। देखा भाई, G20 मेंबर अकाउंट फॉर द 85% ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। G20 वॉज फाउंड इन द 1999, याद रखिए 1999 में फॉर्म हुआ था। इट्स प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, जोसेफ कॉन्टे। कैनेडियन प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन वॉज चूजन एज द फर्स्ट चेयरमैन एंड द जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर हांस आइकल होस्टेड बाय द इनॉग्रल मीटिंग। चलिए देख लेते हैं बाकी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ईडीबी के बारे में पढ़ते हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपका 19th of December 1966 को बना था, और ईडीबी का हेडक्वार्टर है आपका मनीला फिलीपींस में, मनीला में, और मसासुगो आसाकावा इसके हेड है, मसासुगो आसाकावा। 68 मेंबर कंट्रीज हैं। G7 की अगर बात करें, G7 आई थिंक 1975 में आपका फॉर्म हुआ था, और इसके जो मेंबर कंट्री, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, ये आपने याद रखना है। एससीओ की बात करें, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में फॉर्म हुआ था, जो फाउंडिंग मेंबर है वो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और पाकिस्तान और भारत, ये 2017 में जुड़े थे दोनों, उज्बेकिस्तान पहले जुड़ चुका था। BBIN की बात करें तो इसमें आपके जैसे B4 बांग्लादेश, B4 भूटान, I4 इंडिया, नेपाल आते हैं, ये 2016 में आपका फाउंड हुआ था। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसी कंट्रीज आती हैं। G20 अगर समिट की बात करें तो लिखा होता है G20 समिट फॉर्मली नोन एज द समिट ऑन द फाइनेंस मार्केट एंड द वर्ल्ड इकॉनमी। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज होस्टिंग द G20 लीडर्स समिट इन द 2020। तो ये आपने याद रखना है, सऊदी अरेबिया ने किया था, और शायद से 2021 का जो अब होना है आपकी सबमिट, वो होनी है आपकी ग्लासगो में, यूके आई थिंक सो, देख लेते हैं एक बार है। तो देख लीजिए G7 में जो कंट्री आती है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। तो पहले G8 हुआ करता था, फिर रशिया को 2014 में, क्योंकि इसने क्रीमिया पे हमला कर दिया था, तो इसे बाहर निकाल दिया गया था। उसके अलावा G20 में टर्की आ जाता है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज आ जाते हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आ जाते हैं। अच्छा देखें, तो G20 की बात करें तो 26 सितंबर 1999 को फॉर्म हुआ था, और अगर देखें 20 मेंबर मैंने बता दिया है यहाँ पे आपको, चेयरमैन जो है मारियो ड्रागी हैं 2021 के, ये या आपने याद रखना है। और अगर देखा जाएगा तो इसकी जो अभी सबमिट होनी है, और सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने G20 की सबमिट, वो किसकी सबमिट थी, शायद से कॉप की थी, थोड़ा गड़बड़ी हो गई, ये इटली में होनी है, इटली में होनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 2021 की जो सबमिट होनी है, 16वीं जो होनी है इटली में होनी है, फिर 15वीं जो हुई थी वो सऊदी अरेबिया में हुई थी, 17वीं याद रखना आप, 17वीं जो 2022 की होनी इंडोनेशिया में होनी है, और फिर उसके बाद इंडिया से क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, इंडिया करेगा 2023 में, और 2024 में ब्राज़ील। तो ये कम से कम आपने याद रखना है कि 2020 का सऊदी अरेबिया, उसके बाद आपका इटली, उसके बाद आपका इंडोनेशिया, फिर इंडिया, फिर ब्राज़ील, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, G7 कंट्रीज की तरफ चलते हैं। तो G7 कंट्रीज फॉर्म हुई थी 1975 में, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे,
ठीक है, 1975 जो फर्स्ट सबमिट हुई थी, फॉर्मेशन तो 73 में हो गया था, ग्रुप ऑफ 80 से बोला जाता है। अच्छा ठीक है, ये मेंबर कंट्रीज हैं आपकी, और यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी मीटिंग है। तो देख लीजिए, अगर देखेंगे तो पिछले साल कैंसिल हो गई थी ये, यूनाइटेड स्टेट ने करनी थी तो हो नहीं पाई। इस बार जो हो गई है 47वीं हो गई है G7 की, ये यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन ने की है। उसके बाद 2022 में जर्मनी में होनी, उसके बाद 2023 में जापान, और फिर 2024 में इटली में होनी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शॉर्ट टर्म जो आपका क्रेडिट सपोर्ट होगा किसके लिए दिया जाता है, तो ठीक है, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फार्म एसेट्स, बिल्कुल सही है, जो आपकी फार्म एसेट्स है उनके मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। तो पहला तो आंसर बनेगा, पहला आंसर बनेगा तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट होगा परचेज ऑफ द कंबाइन हार्वेस्टर्स ट्रैक्टर एंड द मिनी ट्रक्स, नहीं इनके लिए नहीं दिया जाता कि ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए, आपके मिनी ट्रक्स के लिए, ये परचेजेस के लिए आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट नहीं दिया जाता। तो दूसरा आपका गलत हो जाता है, तो ये गलत और ये गलत, यहाँ पे दूसरा आ रहा है, तो आंसर बनेगा 1/3 एंड तो 4th। तीसरा आ जाता है कंजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर द फार्म हाउस होल्ड, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड द सेटिंग, नहीं विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो आपकी होती है इसके लिए नहीं दिया जाता, फैमिली हाउस के लिए नहीं दिया जाता। तो लिखा होता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एम्स एट द प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट एंड द टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फॉर द बैंकिंग सिस्टम अंडर सिंगल विंडो विद द फ्लेक्सिबल एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर टू द फार्मर्स फॉर दियर कल्टिवेशन एंड अदर नीड्स एज इंडिकेटेड बिलो, टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसिस प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर हाउस होल्ड वर्किंग कैपिटल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फार्म असेट्स एंड द एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायर फॉर द एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम डिटेल इन द एनसुइंग द पैराग्राफ्स इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कमर्शियल बैंक RRB स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड द कोऑपरेटिव्स। तो ये 1998 में आपका इंट्रोड्यूस होता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, फॉर द इशू ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड टू फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग्स फॉर द यूनिफॉर्म एडॉप्शन बाय द बैंक सो दैट फार्मर्स मे यूज देम टू रीडली परचेज द एग्रीकल्चर इनपुट सच एज द सीड्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एंड ड्रॉ कैश फॉर द डियर प्रोडक्शन नीड्स। एलिजिबल फार्मर्स कौन से होते हैं, इंडिविजुअल ज्वाइंट बोरोवर्स हु आर ओनर कल्टिवेटर्स टेनेंट फार्मर्स ओरल लेसेस एंड द शार्प क्रॉपर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप आ जाते हैं ज्वाइंट एलिजिबिलिटी ग्रुप आ जाते हैं फार्मर इंक्लूडिंग द टेनेंट फार्मर्स शेयर क्रॉपर्स। द शॉर्ट टर्म लोन लिमिट अराइव फ्रॉम द 5th ईयर प्लस द एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायर्ड विल बी द मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट एज टू बी ट्रीटेड एज अ किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो लिखा द वेटेज ऑफ द फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ द होल सेल प्राइस इंडेक्स। तो वेटेज जो आपका देखने को मिलता है बोल रहा है कि ऑफ द फूड इज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन द होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे द WPI डज नॉट कैप्चर द चेंज इन द प्राइजेस ऑफ द सर्विस विच CPI डज। और तीसरे का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड द WPI एज द की मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन। अब देखो रिजर्व बैंक इंडिया WPI पे नहीं करता है नोट, आपका इन्फ्लेशन रेट वो आप करता है CPI पे, किस पे करता है CPI पे, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे करता है, जो रघुराम जी राजन जो आपके फॉर्मर जो आपके गवर्नर हैं RBI के, उनसे रिलेटेड एक कमेटी, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म हुई थी जिसमें क्या था कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपका क्या था CPI को गठित किया गया था और इसे रखा गया था आपका कितना 4 ± 2, तो इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा आपका बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, तो 4 ± 2 होता है 2 to 6% तक ही आपका इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, ये बेहतर होता है ग्रोथ के लिए। तो तीसरा तो आंसर नहीं बनेगा, WPI होता ही नहीं है, तो ये गलत ये गलत, तो फर्स्ट या सेकेंड या फिर सेकेंड ओनली। तो लेकिन द वेटेज ऑफ द फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो सही है, हाँ सही है ये कि इसमें हायर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो आपका वेटेज होता है हायर होता है, और द WPI डज नॉट कैप्चर द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द सर्विस, ये नहीं करता आपका बल्कि CPI करता है, आंसर बन जाएगा कौन सा आपका पहला। तो लिखा द वेटेज ऑफ द आइटम्स इन द WPI एज फॉलो, सो प्राइमरी आर्टिकल 22.62, फ्यूल एंड द पावर 13.51, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 64.23। अच्छा वेट वाइल द वेटेज ऑफ द आइटम ऑफ द CPI एज फॉलोज, तो फूड एंड बेवरेज में 45.86, हाउसिंग में 10.07, फ्यूल एंड द लाइट में 6.87, क्लॉथिंग एंड द फुटवेयर में 6.53, पैन टबाको एंड द इंटॉक्सिकेटेड के टॉक्सिकेंट्स में 2.38 और मिसलिनियस में 28.32। अब लिखा हुआ है दोनों में अंतर देखो, वेटेज ऑफ द आइटम्स आर बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन वैल्यू, तो यहाँ पे वेटेज वेट इज बेस्ड ऑन द एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टेक्स फ्रॉम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डाटा,
वेटर्स ऑफ द फूड ग्रुप्स 24.4%, ये 39.06%। इट डज़ नॉट इंक्लूड द सर्विसेज, इट इंक्लूड द सर्विसेज, इसमें आपकी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, इसमें होती हैं। इट रिफ्लेक्ट अ चेंज इन द एवरेज प्राइस फॉर द बल्क सेल ऑफ द कॉमोडिटीज, इसमें बल्क सेल होती है और इसमें एवरेज चेंज देखने को मिलता है प्राइस लेवल में। अच्छा लिखा हुआ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन, ये राजन है, 2014 अनाउंस किया था उन्होंने जब वो थे आपके देन गवर्नर, उनके बाद आपके उर्जितार पटेल आए, अभी कौन है आपके 25th नंबर के कौन है अभी आपके, तो उनका नाम है आपका शक्तिकांत दास। अनाउंस दैट द सेंट्रल बैंक हैज अडॉप्टेड द न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये हुआ था एज द की मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन। तो याद रखना सीपीआई के थ्रू आपका मेजरमेंट होता है इन्फ्लेशन का। कुछ मैं चीज़ें लिख के लाऊँ, जैसे लिखा हुआ रिसेंटली द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एज लिए द होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो हुआ था तो देख लेते हैं। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स तो इट इंक्रीजेज फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ 4.17, ये याद करने की जरूरत नहीं आपका, सीधे यहाँ पे आते हैं जहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूँ। तो लिखा हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इट मेजर द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड द ट्रेड इन द बल्क, बल्क में होता है बाय द होलसेल, आप जैसे जानते हैं बिजनेस टू द अदर बिजनेसेस, पब्लिश बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो पब्लिश किसके थ्रू होती है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के थ्रू होती है। नेक्स्ट इट इज मोस्ट वाइडली, तो अभी कौन है पीयूष गोयल आई थिंक आपके इसके मिनिस्टर कॉमर्स के, चलो मैं लिख के भेज दूंगा इसे, होमवर्क लिख देता हूँ, थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार फिर से। इट इज़ मोस्टली मोस्ट वाइडली यूज इन द इन्फ्लेशन इंडिकेटर इंडिया, पर अब नहीं होता है। मेजर क्रिटिसिज्म फॉर द इंडेक्स इज द जनरल पब्लिक डज नॉट बाय द प्रोडक्ट इन द होलसेल प्राइस, अब क्रिटिसिज्म यही था कि स्पेशली इन्फ्लेशन को मेजर नहीं करते, क्योंकि जो आपकी क्या होती है जो आपकी पब्लिक होती है वो होलसेल पर नहीं खरीदती है, बल्कि वो रेट पर खरीदते हैं जो उनको प्रोवाइड होता है। तो बेस ईयर जो याद रखना, बेस ईयर जो WPI का था वो 2004-05 से हटाकर अब कितना कर दिया, 2011-12 कर दिया, 2017 की ये बात है। तो आप याद रखें कि जो WPI का जो आपका क्या बेस ईयर है वो 2011-12 है। अच्छा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ है, इट मेजर द प्राइस चेंज फॉर द प्रस्पेक्टिव रिटेल बायर, इट इज़ रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये याद रखिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि इसे पब्लिश कौन करता है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है, और इसको कौन करता है NSO करता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। द CPI कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज एंड द सर्विसेज सच एज द फूड मेडिकल केयर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ETC विच इंडियन कंज्यूमर बाई फॉर यूज। द CPI हैज़ अ सेवरल सब ग्रुप इंक्लूडिंग द फूड एंड द बेवरेज फ्यूल एंड द लाइट हाउसिंग एंड द क्लोथिंग बेडिंग एंड द फुटवेयर। अच्छा नेक्स्ट आता है फोर टाइप्स ऑफ द CPI आर एज फॉलोज, तो CPI चार तरीके का होता है, ये आपने याद रखना, एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड, एक होता है एग्रीकल्चर लेबर से रिलेटेड, एक होता है आपका रूरल लेबर से रिलेटेड, एक होता है आपका तीनों से जो रूरल अर्बन और कंबाइंड आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है IWAL RL और आपका कौन सा कंबाइंड, ऑफ दिस द फर्स्ट थ्री आर कंपाइल्ड बाई, अब देख लीजिए जो शुरुआत के तीन हैं जिनमें आपका सिंगल सिंगल आ रहा है इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चर लेबर या रूरल लेबर, तो इसको जो कंपाइल्ड करती है लेबर ब्यूरो करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। फोर्थ जो आता है उसे NSO करता है आपका जो स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बेस ईयर जो CPI का वो आपका 2012 है, द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो आपकी थी CPI डाटा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द अप्रैल 2014 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया था रघुराम राजन वाली कमेटी। अगली का CPI वर्सेस WPI, WPI ट्रैक द इन्फ्लेशन द प्रोड्यूसर लेवल एंड द CPI कैप्चर द चेंज इन द प्राइस लेवल एट द कंज्यूमर लेवल, WPI डज नॉट कैप्चर द चेंज इन द प्राइस ऑफ द सर्विसेज विच CPI डज, तो ये आपका ऑप्शन में था। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन्फ्लेशन, तो लिखा हुआ इन्फ्लेशन रेफर टू द राइस इन द प्राइस ऑफ द मोस्ट गुड्स एंड द सर्विसेज ऑफ डेली कॉमन यूज सच एज फूड क्लॉथिंग हाउसिंग रिक्रिएशन ट्रांसपोर्ट कंज्यूमर स्टेपल्स ETC। इन्फ्लेशन मेजर द एवरेज प्राइस चेंज इन द बास्केट ऑफ द कॉमोडिटीज एंड द सर्विसेज ओवर टाइम। Inflation is indicative of the decrease in the purchasing power of a unit of a country's currency. This could ultimately lead to the declination in economic growth. However, a moderate level of the inflation is required in the economy. Hona chahiye jo maine bataya 2 to 6% ke aas pass to ensure that the production is promoted. In India, the inflation is primarily measured by the two main indices, WPI and the CPI, which measure the wholesale and the retail level price changes respectively. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो लिख विच ऑफ द फेयर पेयर गिवन अबव इज करेक्टली मैच, तो लिखा हुआ मेकोंग अंडमान सी फ्लो इनटू, तो मेकोंग अंडमान सी में नहीं गिरती बल्कि कहाँ गिरती है, तो ये याद रखना आप साउथ चाइना सी में, ठीक है ना, ये चाइना की नदी है, चाइना से ओरिजिनेट होती है और जो आपके आसियान कंट्रीज हैं मलेशिया थाईलैंड यहाँ से होते हुए आपका साउथ चाइना सी में गिर जाती है। थेम्स जो है
आप जानते हैं ये इंग्लैंड की रिवर है, आयरिश सी में नहीं गिरती बल्कि नॉर्थ सी में गिरती है। बाकी वोल्गा ये आपकी रशिया की रिवर है, कैस्पियन सी में गिरती है, सही है। जाम्बेजी आपकी साउथ की रिवर है, साउथ अफ्रीका की तरफ है, साउथ अफ्रीका मतलब जैसे जाम्बिया और जिम्बाब्वे होते हुए भी मैं दिखा दूंगा, ये इंडियन ओशन में गिरती है। तो आंसर है थर्ड एंड फोर्थ, राइट है, बाकी दोनों आपके गलत हैं। तो पढ़ लेते हैं, फोर मेजर रिवर फ्लो इन टू द आयरिश सी, द रिवर क्लाइड इन द स्कॉटलैंड एक आ जाता है, एंड द रिवर डी इन द वॉल्स, रिवर लिफी इन द रिपब्लिक ऑफ द आयरलैंड एंड द रिवर मास इन द इंग्लैंड, वाई द थेम्स रिवर फ्लो इन द नॉर्थ सी। तो देख लीजिए, अगर आयरिश सी में गिरती है तो क्लाइड हो गई, डी हो गई, लिफे हो गई और आपकी मर्सी हो गई, पर अगर बात करें थेम्स रिवर की तो नॉर्थ सी की तरफ गिरती है। किस तरफ गिरती है? नॉर्थ सी की तरफ गिरती है। अभी दिखा दूंगा मैप में। आगे लिखा वोल्गा रिवर, टैरिक रिवर, यूराल रिवर एंड द मटकावरी रिवर, ये आपकी कैस्पियन सी में गिरती है। मैकोंग रिवर ड्रेन्स इनटू द साउथ चाइना सी, इट इज़ द 11th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड इट्स लेंथ इज़ द 4,880 किलोमीटर, इट फ्लो थ्रू द चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया एंड द वियतनाम। द जाम्बेजी, गंगास, ब्रह्मपुत्र, इंडस, जूबा एंड द मरे रिवर्स आर द शात अल अरब, जैसे ये हैं आपके, एंड द वादी अल दवासिर एंड द लिम्पोपो रिवर्स, ये आपके इंडियन ओशन में गिरती है। तो अगर जाम्बेजी की बात करूँ तो जाम्बेजी इस तरफ से आती है जिम्बाब्वे, ये जाम्बिया होते हुए यहाँ पर, यहाँ से होते हुए फिर मोजाम्बिक से होते हुए बाहर की तरफ यहाँ इंडियन ओशन में गिर जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूरोप है आपका, और यूरोप की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो थेम्स रिवर है वो इस तरफ ना गिर के, आयरिश सी की तरफ ना गिर के, इधर ना गिर के, वो इस तरफ गिरती है, नॉर्थ सी की तरफ गिरती है, ठीक है ना। और वहीं अगर बात करें जो आपकी वॉल्गा रिवर है, तो वॉल्गा ये है आपकी वॉल्गा, और ये आ रही है आपकी कैस्पियन सी में गिरती है। अच्छा, और कोई रिवर थी? थेम्स हो गई, वॉल्गा हो गई आपके, हाँ ठीक है, एक थी आपकी मैकोंग रिवर, तो ये आपकी चाइना से होते हुए और इस तरफ, यहाँ से होते हुए जाते हुए इधर की तरफ गिर जाती है, ये आपका साउथ चाइना सी में गिर जाती है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिखा हुआ है इन द केसेस ऑफ द ऑल द सीरियल्स पर्सन इन द ऑयल सीड, द प्रोक्योरमेंट एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड, बस यहीं पे गलत हो गया, अनलिमिटेड नहीं होता कभी भी, लिमिटेड कलेक्शन होता है किसी भी स्टेट और यूनियन टेरेटरी के लिए। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है, तो पहला आपका गलत है, तो बोल रहा है स्टेटमेंट इज गिवन करेक्ट, तो पहला गलत है, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इन द केस ऑफ द सीरियल पल्स द एम एस पी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एंड द लेवल एंड द विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। अब एक चीज़ आप याद रखिए कि एम एस पी कभी मार्केट प्राइस पर आपका डिपेंड नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, आंसर बनेगा नाइदर फर्स्ट एंड द सेकेंड। पढ़ लेते हैं, वाइल द प्रोक्योरमेंट इज ओपन एंडेड इट इज़ नॉट अनलिमिटेड, देख लीजिए जब कभी प्रोक्योरमेंट होता है तो ओपन एंडेड होता है, इट इज़ नॉट अनलिमिटेड सिंस अवर बफर स्टॉक इज लिमिटेड। अच्छा, मार्केट प्राइस हैज़ नो लिंक विद द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इट कैन गो बिलो और द अबव एम एस पी, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द क्रॉप्स इन द मार्केट। नेक्स्ट आता है चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग अप द एम एस पी आर द सपोर्ट फार्मर्स फ्रॉम द डिस्ट्रेस सेल्स टू प्रोक्योर द फूड ग्रेन्स फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इश्यू प्राइस इन द प्राइस एट द विच द प्रोक्योर्ड एंड द बफर स्टॉक फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड थ्रू द पी डी एस, द एम एस पी इज रिकमेंडेड बाय द कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइज अनाउंस बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, एम एस पी फॉर द सुगर कैन इज नोन एज अ फेयर एंड द रेमुनरेटिव प्राइजेस। लिखा हुआ है द एम एस पी इज रिकमेंडेड बाय द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइजेस एंड अनाउंस बाय द कैबिनेट कमिटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, एम एस पी फॉर द सुगर कैन इज नो, तो ये तो बता दिया था मैंने आपको। अच्छा, तो सेंटर करेंटली फिक्स द एम एस पी, तो 23 क्रॉप्स में आपका 23+1 साइज है, 23+1 में वो वन आती है, वो कौन सी आती है? शुगर आती है। तो 7 सीरियल्स हैं जिसमें पैडी आ जाता है, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी और बार्ले। 5 पल्सेज आती हैं, चना, अरहर, तूर, उड़द, मूंग, मसूर। 7 आपके ऑयल सीड्स आते हैं, रैप सीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, सेसमम हो गया, सेफ्लावर हो गया आपका, और नाइजर सीड हो गया। और 4 कमर्शियल क्रॉप आते हैं, कॉटन आ जाता है, सुगर कैन, कोपरा और रॉ जूट। तो 23+1 पे आपका लगभग 22+1 है कि 23+1 है, शायद से जहाँ तक मुझे लग रहा है। 23 क्रॉप्स आप याद रखना मेनली, मुख्यतः। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विद रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिखा हुआ कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म सिक्योर्ड, लिखा हुआ है प्रॉमिसरी नोट्स। तो शॉर्ट टर्म बिल्कुल है, कमर्शियल पेपर आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, सही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी शॉर्ट टर्म होता है, ये भी शॉर्ट टर्म होता है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, गलत है। कॉल मनी जो होता है आपका, वो आपका शॉर्ट टर्म होता है, बिल्कुल सही है। और जीरो कूपन जो होता है, ये आपका कैसे होता है? लॉन्ग टर्म होता है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, गलत है। तो आंसर बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड। देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे आप जान सकते हैं, लिखा हुआ है मार्केट आर मेनली ऑफ द टू टाइम्स, द मनी मार्केट इज द सेंटर, पहला था मनी मार्केट और दूसरा था कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की अगर बात करें, इज द सेंटर फॉर द डीलिंग मेनली ऑफ द शॉर्ट कैरेक्टर, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड द मनी मार्केट। तो लिखा हुआ है इन मॉनेस्ट्री असेट्स
इट मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर्स एंड द प्रोवाइड द लिक्विडिटी और द कैश टू द लेंडर्स. मनी मार्केट डील्स विद द फाइनेंशियल असेट्स द हूज पीरियड ऑफ द मेच्योरिटीज अप टू द 1 ईयर. तो लगभग लगभग एक साल से कम का जो होता है शॉर्ट टर्म पीरियड कंसिडर होता है मनी मार्केट. और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखो कॉल मनी आ जाता है, ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, कमर्शियल पेपर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और ट्रेड बिल्स आ जाते हैं. कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड के लिए होता है. कैपिटल मार्केट डील्स इन द फाइनेंशियल असेट्स हूज पीरियड ऑफ द मेच्योरिटी मोर देन द 1 ईयर, जिनके क्या होता है एक साल से. तो याद रखना मनी मार्केट जो होता है लेस देन 1 ईयर और कैपिटल मार्केट जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो ये सिक्योरिटी मार्केट, इक्विटी, डेट, IPO, कमोडिटी मार्केट से आ जाते हैं. नॉन सिक्योरिटी सिक्योर मार्केट म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट ये आ जाते हैं. कॉल मनी डील्स विद, अब मैंने सारा पढ़ा दिया. नोटिस, अच्छा नोटिस मनी डील विद द लोन ऑफ द 2 to 4 फोर्टीन. अच्छा ये याद रखिए नोटिस जो आपका मनी होता है वो 2 से 14 दिन के आसपास होता है टू द बैंक. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो इस वीडियो को जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल दूंगा. वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए. उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी. फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को और इंस्टाग्राम पर भी हमें वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं. तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.